तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज लेके आई हूँ अपनी मम्मा की ये ओल्ड साड़ी। तो देखिए मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये साड़ी थी, तो साड़ी का मैंने क्या किया, ये जो पल्लू है, पल्लू पे साइड में ये लेस थी, तो मैंने सारी इसको कट कर दिया है। देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। तो मैंने इसका एक पीस लिया और 1/2 इंच थोड़ा सा फैब्रिक अलग किया है, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि हम स्टिचिंग में लेंगे इसको। तो ये पूरा का पूरा मैं इसको कट कर दूँगी। तो मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी और ये बड़े ध्यान से कटिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, तो गाइस आपकी जो लेस बनने वाली है ना, ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए कटिंग का अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो इसी तरह से मैंने पूरी की पूरी लेस कट करने वाली हूँ। तो ये दोनों साइड्स पे थी, तो मेरा एक साइड तो हो गया है, तो मैं दूसरी टाइप साइड की भी कटिंग कर लूँगी। और ये ध्यान रखें कि लेस से 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा लें, ताकि ये स्टिचिंग में भी आ जाएगा ना, तो क्या होता है स्टिचिंग में आ जाएगा तो ये लेस छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये मेरा कटिंग हो ही गया है सारा पीस, ये देखिए। और आप ऐसे भी कट कर सकते हैं अच्छी तरह देख के ध्यान से। तो ये मैंने कट करके ये देखिए एक बंडल बंच टाइप रेडी हो गया है मेरी लेस का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने अभी साड़ी ली अपने और इसके सारे पीस करके रख दिया है। और मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें क्या है, मैंने पूरे नाप से मैंने लिए हैं जो मेरी इसकी लंबाई है। लंबाई मेरी 38 इंचीज़ है और जिसकी चौड़ाई है तो मैंने 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई करी है। और बाकी तो आपका जितना फैब्रिक है ना, आप उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई कर सकते हैं प्लेट्स की। तो मैंने ये अपनी कलियाँ ली और इसे निशान लगा रही हूँ मैं। तो बस ऐसे ही निशान लगा के मैं इसे कटिंग करूँगी। क्या है ना, ये बहुत सारे पीसेस से 18 कलियाँ बनने वाली है ना, तो एक बारी में ऐसे कटिंग नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ी कम पीसेस लेकर कटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरे एक साइड कट हो गया, तो मैं दूसरी साइड की भी कटिंग कर दूँगी अच्छे से। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये हमारी कलियाँ जो है रेडी हो चुकी हैं, और ये कुल मिला के 16 कलियाँ थी, पूरी 16 कलियाँ थी ये। तो अब मैं इन कलियों को क्या है धीरे धीरे करके इकट्ठा करूँगी, देखना। ये देखिए मैं आपको फैला के दिखा देती हूँ कि कितना घेर बनने वाला है। तो ये देखिए मैंने पूरी कलियाँ इकट्ठी करके बिछाई हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा घेर आ रहा है, बहुत बड़ा घेर आने वाला है गाइस। और इसकी जो फ्लेट्स होंगी ना, बहुत ही कमाल होने वाली हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं इसमें कितना है। और अभी भी ये पूरी नहीं हुई है, अभी भी मेरे पास और कलियाँ बची हुई हैं, ये देखिए। ये कलियाँ क्या मैं जोड़ने वाली हूँ सारी, तो मैं एक बारी आपको बस ट्रायल के लिए दिखाने वाली हूँ कि इसमें मेरी ड्रेस में कितना घेर आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरी कलियाँ लग रही हैं, अब कुछ कलियाँ अभी भी बची हैं देखिए, तो मैं उनको भी ऐड कर दूंगी और जल्दी से उनको भी लगा दूंगी। तो मैं ये कलियाँ बस अब जो बची हुई हैं आखिरी, उनको भी ऐड कर देती हूँ। आपको दिखाई देती हूँ कि पूरी कलियाँ कितनी होंगी। मैं थोड़ी जगह एडजस्ट करके देख लेती हूँ। तो मैं यहाँ की कलियाँ भी सेट कर रही हूँ, देखिए। तो ये लास्ट कली होने वाली है हमारी। तो ये हमारी सारी कलियाँ कुछ इस तरह से हो तो गई ये हैं। हमारी कलियाँ तो थी अब जो मैं मैंने इनको कटिंग सिलने की थी, की अभी मैं शुरुआत जोड़ने करती वाली हूँ। तो हूँ। मैंने ये कली तो ली, दूसरी अब मैं कली इसको को इसके ज्वाइंट ऊपर कर रख रही। दिया और 1/2 इंच का थोड़ा सा जगह छोड़कर कपड़े में, तो मैं सिलाई स्टार्ट कर, क्या थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर सिलाई स्टार्ट करें, ये देखिए। तो मैंने इसे कर लूंगी, ठीक है। सोच तो ये कलियाँ हमारी जुड़कर रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए इसका कुछ लुक ऐसा है, इसका घेर बहुत अच्छा आया है। और मैं इसको चलो आपको उठा के दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है, ये देखिए। तो ये बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका, और ये मेरी कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही घेर आ गया है इसमें, ये देखिए। मैं इसको आपको ये लगा के दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। और कलियों को क्या है, आप डबल स्टिच कीजिएगा,
या फिर इंटरलॉक कर लीजिएगा, क्या है ना कि उधड़ने का कोई चांस ही ना रहे बस। तो ये देखिए ये इसका लुक आएगा कुछ इस तरीके का। तो मैंने जो कलियाँ सारी रेडी कर ही दी हैं, तो अब बस मैं जो इसका जो मैंने गोटा रेडी किया था ना, तो वो मैं इसके नीचे नीचे लगाने वाली हूँ लेस की तरह, जैसे हम लेस यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही मैं अब ये लगाऊंगी, ये देखिए इसके नीचे। तो ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है, ये मैं स्लीव के लिए अलग से फैब्रिक लेके आई थी। तो ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है, तो मैं स्लीव्स के लिए अलग से मार्केट से कपड़ा लेके आई थी। तो आप चाहें तो नेट का फैब्रिक या आप जो आपको अच्छा लगता है मटेरियल उस फैब्रिक को आप लेके आ सकते हैं। तो मेरी आर्म होल का साइज़ जो है वो 8.5 है, तो मैं प्लस 3 इंच कर दूँगी, 8, 9, 10, 11 और 11.5। तो मैं ये 11.5 पे करूँगी, कुछ इंचेस एक्स्ट्रा हैं तो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिए, तो मैं 11.5 पे ही निशान लगाऊँगी। और मेन जो हमारा है 8.5, उस पर भी निशान लगा लूँगी। और यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच, और ये जो चौड़ाई होती है यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे निशान लूँगी मैं ये, ठीक है। और ये इसमें यहाँ से इसको क्रॉस एक लाइन दे दूँगी बिल्कुल, ये जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया ना, इससे जॉइंट करना है इसको, ठीक है। ये हमारा मेन साइन था वो है, और ये हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो 3 इंचेस भी ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। अब ये हमारी स्लीव की लेंथ होगी, जितनी लेंथ आप देना चाहते हैं, जितनी आपको सही लगती है आप उतनी करेंगे। मैं क्या है चूड़ीदार स्लीव बनाने वाली हूँ, तो मैं पूरी 30 इंच ले लूँगी, पूरा का पूरा 30 इंच फैब्रिक है ये देखिए, पूरा 30 पे लेने वाली हूँ मैं ये, ठीक है। और ये जो हमारे हाथ की जो चौड़ाई होती है वो चीज़ नापते हैं, जैसे कि ये मेरी, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, ये मेरी है 7 इंचेस है, और 1 इंच लूज़ किया है मैंने, तो 7 इंचेस पर रखूँगी मैं इसे, और प्लस 1 इंच कर दूँगी, ठीक है। तो मैं ये 8 ले लूँगी, और 8 का हाफ हो गया 4, ये मैं 4 लूँगी यहाँ से, और ये यहाँ से 2 इंचेस एक्स्ट्रा कर दूँगी स्केल वाला। और ये मेरे कर्व स्केल की हेल्प से इसको निशान लगा दूंगी मैं, पहले ये जो मेन कटिंग जो लाइन है, फिटिंग की लाइन है हमारी, फिटिंग की लाइन पे निशान लगाऊंगी मैं, और उसके बाद जो लूज़ फिटिंग रखते हैं हम, लूज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, उस पे लगाऊंगी। और ये मैं 1/2 इंचेस अंदर करके ये गोलाई का निशान लगेगा, गोलाई दूंगी इसमें, ठीक है। तो मैं अब इसकी कटिंग करने वाली हूँ। ये स्लीव कुछ इस तरीके से होगी, और ये इसके 2 पल्ले लेके जो 1/2 इंचेस का मैंने निशान लगाया था, ये इसके मैं 2 पल्ले लेके 1/2 इंचेस पे ये निशान लगाया जो मैंने, वो कट कर दूंगी। हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, तो चलिए अब हम अपने टॉप की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक था, तो फैब्रिक पे मैंने 15 इंचेस का मैं अपना ब्लाउज रेडी करने वाली हूँ, ये 15 इंच का, तो मैंने प्लस 1 इंच कर दिया, 16 इंच पे मैं लेने वाली हूँ, तो मैं ये निशान लगा लूँगी 15 इंच पर। अब ये मैं यहाँ पे से ये अक्रॉस बैक है जो हमारा वो लूँगी, तो मैं ये यहाँ से 6 इंचेस पर लूँगी, और प्लस 1 करके 6
छः प्लस एक तो अपने कर देंगे सात और हाफ इंचज़ और, तो मैं ये 7.5 पर लूँगी। और यहाँ से मैं लेने वाली चेस्ट का निशान, तो 9 इंचज़ पे मेरा निशान है, ठीक है, तो मैं प्लस 2 इंचज़ कर देती हूँ, 2 इंचज़ पे भी निशान लगा रही हूँ मैं। और ये मेरी वेस्ट का अकॉर्डिंग होगा, तो मैं यहाँ से 8 इंचज़ लूँगी और प्लस 2 इंचज़ कर दूँगी। तो ये जो हमारी फिटिंग लाइन है इसको मैं जॉइंट कर दूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा में लाइन है उसको भी जॉइंट कर दूँगी। और यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच लूँगी मैं यहाँ से, और गोलाई दे दूँगी मैं इसको, ठीक है। और 1/2 इंचज़ मैं और लेने वाली हूँ इसके अंदर, एक और गोलाई देने वाली हूँ मैं इसमें। और ये फ्रंट पार्ट है, तो अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो ये मेरे फ्रंट और ये बैक पार्ट 2 पार्ट्स हैं। तो ये 1/2 इंचज़ पे जो निशान लिया था ये वाला, इसकी मैं गोलाई कट करने वाली हूँ। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों मेरे रेडी हो गए हैं, पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम फैब्रिक पे कट करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक था जो मैंने पीसेस बताए थे आपको, वो पीसेस थे, तो मैंने इनको जॉइंट कर लिया, ये देखिए। तो अब मैं इसको रखूँगी, तो मैंने इन पीसेस को अभी रख लिया है, 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए 4 पीसेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो मैंने अपना ये कट किया था इसे मैं रखूँगी, जो मैंने पहले अपना लोन कट किया, अस्तर कट किया है, उसे मैं यूं करके रख दूँगी। तो मैं अपने लोन को कुछ इस तरीके से रखूँगी और ये निशान लगा लूँगी, जो मेरा निशान है ये। दिख रहा है क्या सारा? तो ये मैंने अपना पीस रख दिया है और मैं इसका निशान लगा दूँगी। और इसकी कटिंग कर दूंगी, थोड़ा सा 1/2 इंचज़ में एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गए हैं, ये देखिए। और आगे इतना अच्छा डिज़ाइन बना है, पार्ट कट हो गया है और ये कितना अच्छा डिज़ाइन भी बना है।
तो मैंने ये अस्तर को इसे पिन टक से लगा दिया है, मैंने टक कर दिया है इनको ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब इसके ऊपर एक कच्चा टांका लग जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने कुछ नेक रेडी किए हैं अपने फ्रंट और बैक दोनों के। तो इनका लुक ये होने वाला है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। दोनों के मतलब साइज़ अलग थे, मैंने छोटा बड़ा किया है। नेक का आपको जैसा डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन बनाया है जो नेक का बनाया मैंने। तो अब मैं इसकी लटकन बनाने वाली हूँ। तो ये हमारी जो लेस बची थी ना, तो इसके मैंने रफल बना लिए हैं, रफल बनाने वाली हूँ मैं। तो मैंने इसे ये प्लेट्स बनाई हैं इसकी, तो मैं ऐसे ही पूरा रेडी कर दूँगी सिलकर जल्दी जल्दी से। ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब मैं इस बड़े से रफल के दो पीस कर लूँगी, ये देखिए, और अब इस पर एक सीधा टाका लगा दूँगी। और ऐसा ही एक और सेम पीस रेडी करूँगी मैं। इसको मैं ओपन कर रही हूँ, ये देखिए, और ऊपर से पकड़ के ऐसे कुछ इसकी शेप बन जाएगी, ऐसा कुछ रेडी होगा। तो ये एक पीस मैंने बना लिया है, तो मैं दूसरा पीस भी रेडी कर लूँगी। तो इसका लुक इस तरीके के होने वाला है। इसका फाइनल लुक बहुत प्यारा लग रहा है, आप लास्ट में वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप कोई बटन वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो उसकी शेप कुछ इस तरीके की होने वाली है। तो ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया है, सिलाई वाली साइड अंदर कर दी है। दूसरे पीस को भी मैंने ऐसे ओपन कर दिया है। और अब मैं इसको सीधा करूँगी, सीधा करके इसको बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। और दूसरे वाला जो पीस है हमारा, उसको भी ऐसे ही डिज़ाइन में कर दूँगी। तो ये क्या है, मैंने मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, तो उसी के मैंने ये फ्लावर्स निकाल लिए, दो गोल्डन वाले। तो मैं यही चिपकाने वाली हूँ, ये देखिए, पकड़कर इसको अच्छे से, और इस पर पेस्ट कर दूँगी मैं। तो मैं ये चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करती हूँ, ये देखिए, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है ड्रेस का, ये देखिए। मुझे गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। मेरे चैनल पर आपका आने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।